ज्यादा मूव कर रहे थे, फार्म हाउस पे जा रहे थे। बॉडी किस तरह सरगोधा में हम 187 शमाली में बहुत जबरदस्त का फॉर्म है। इधर भी दिखाइएगा बहुत खूबसूरत। और ये हमारे किस बोले आपके भाई थे, कतर में हमारे इनके बड़े भाई थे जिनसे शाह सुल्तान पर एग्रीमेंट हुआ था एक साल पहले। उनके भाई ने हमारे साथ काम किया, उनके भाई ने ये मिल के कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त फॉर्म है, एक दो मिनट इनकी शेयरिंग देंगे। इनकी कटाई हो गई, अब इनका रेगुलरली काम शुरू हो गया। बहुत आइडिया है, मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, बहुत अच्छा इनका पौधा है। अब इनकी लीव भी कटिंग होके जाएगी, दुनिया की बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट। वेरी हैप्पी, ब्यूटीफुल, बहुत कमाल है। ये आप कहना चाहेंगे कुछ फार्मर्स को? जी, ये एलोवेरा रवायती फसलों से हट के एक फसल है और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा है और मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है और लागत भी इसकी ज़्यादा नहीं है। दो कनाल से आप स्टार्ट करें और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक तकरीबन एक साल में 9 माह के बाद आपके बेबी प्लांट जो हैं वो आपको तकरीबन को 1.5 लाख के करीब अमाउंट देंगे। उसके बबाद जो पत्ती है तो एक साल में आप तकरीबन 3 लाख रुपये का तक की आपकी अर्निंग। आपकी दो कनाल का इंशाल्लाह जब 9 माह के बाद शुरू होता है ना, ये इसकी जो 5 साल की एवरेज बनेगी ना, ये 20 लाख बनेगी। बिल्कुल, यानी कि 4 लाख एवरेज इसको आपको पड़ेगी। जी जी, 4 लाख रुपये, क्योंकि जो अब बड़ा हो गया अब इसको नीचे वाली को इसमें हम देना ही है। जी जी जी, अब इसको पहला 9 माह वाला अभी ज़ाया नहीं होना। काम दिखाइएगा जब कितने खूबसूरत है ये सारे इसकी सफाई। अच्छा, आपने आप काढ़ा इधर दिखाइएगा, आप अकाड़ा ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में गए थे भाई आपके, या ऑनलाइन ही बुकिंग कराई थी? नहीं, हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई है, मेरे डॉक्टर करवाई ही मुलाकात है। कहा ये चीज़ भेज देगी, चीज़ें पहुँची आपको? बिल्कुल पहुँची। और कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं ये लेगा कौन, खरीदेगा कौन। आखिरी वक्त तक हमें लोगों ने डिसहार्ट करने की कोशिश की। अच्छा, जब आपने कटिंग करके भेजी, पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम? मुझे चौथे दिन पेमेंट आ गई थी, चौथे या पांचवें दिन से लेकर 7 दिन के अंदर हम पेमेंट देते हैं। मुझे चौथे दिन पेमेंट, उसकी गिनती होती है, कटिंग होती है, फिर प्रोसेस। और पूरा साल मुझे डॉक्टर निमरा जो है वो साथ साथ गाइड करती रही है कि अब आप पानी लगाएं, अब आप हमारी खाद लगाएं, अब आप हमें इसमें डिकम्पोज लगाएं। एक पौधा अगर 2 किलो इनकम दे तो 1 एकड़ की इनकम 11 लाख है, तो इसकी तो आइडियल पोजीशन है, बहुत आइडियल है माशाल्लाह। अच्छा, ये सरगोधे की जो धरती है ये वैसे फजा भी बड़ी जबरदस्त। जी जी, कुछ साहब में भी हमारे फॉर्म बहुत अच्छे हैं, मियाँ वाले भी अच्छे हैं, लेकिन सरगोधा वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप एक आम फसल लगाते हैं, टेंशन होती है कि अभी फ़ौरन सीज़न ख़त्म हो गया तो गंदम फ़ौरन काटो वरना दाने छोटे हो जाएंगे। इसको चंद दिन पहले काट लें, लेट काट लें, कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इसका तो वजन बढ़ता था। कितनी ग्रीन है आपकी, कितनी आइडिया देगी? अच्छा, छाँव में कितनी ग्रीन? ये भी ग्रीन है, ये ऊपर से लग रही है, अंदर से ये पूरी है। अच्छा, लेकिन आप इसमें भी अपना बाग का आगाज कर दें, आप अपने फैमिली के लिए ना, जो आपके खानदान चचा है, मम्मा ताए है, बहनें बेटियाँ, आप 5 अनार लगाएं, 5 अमरूद लगाएं, 5 आप चतूर लगा दें, 5 अंजीर लगा दें। हाँ जी, दरमियान में यहीं लगाना है, एक 12 फुट पे 12 फुट पे ऐसे तरतीब निकाल लें, ऐसे भी 12 फुट पे 5-5-10 लगा दें, 5-5 के नाम के लंगर देते जाएं, छाँव देखता जाएगा। इसमें ये जो है ना आपकी दो कनाल लगी हुई, ये फ्यूचर में इस लेवल पे चली जानी है, क्योंकि हम दो कनाल वाले को कहते हैं कि अपनी 70% पैसे वो खा जाए, 20% से और बढ़ाए। ये 1.5-2 एकड़ तक चली जाएगी, 1.5 एकड़ की कमाई एक मरबे की, ये नस्लों का बिजनेस। इसके बाद में अभी आप हम आगे शुरू कर रहे हैं, जिसके किनारे हैं ना तो बने, इसमें 20 फार्मर के साथ एग्रीमेंट करके संदल लगाएंगे। वो हर 10 माह बाद पेंशन आया करेगी, उस पर आधी पेंशन आपकी आधी हमारी। वो अगर 20 लगे हुए तो मेरे ख्याल में 80 लाख के, 8 करोड़ के आपको जाएंगे, 8 करोड़ के कमाएंगे 20 लाख, तो उसका भी वो भी हम उतने जितना हमारा एग्रीमेंट उस हिसाब से लगाएंगे। अगर आप मरे से मरा भी पौधा बेचें तो एक पौधा जो है 1 करोड़ से ज़्यादा ही, उसको अच्छे लेवल पे बेचा जाए तो ज़्यादा। उसको टाइम 10 साल, फिर काट दें, फिर दो निकल। और इसीलिए पाकिस्तान में डीकम्पोज हमने फ्री कर दिया, हमें कोई नुकसान नहीं है। हमारी एलोवेरा भी फसल अच्छी होती है, बंदा खुशहाल होगा तो एलोवेरा की केयर करेगा ना। इसके बाद हमने 3 साल पहले, वो डॉक्टर निमरा बैठी हूँ, एलोवेरा डिपार्टमेंट की हेड है, इधर उधर मेरी मिसिज बैठी हैं, मेरी मिसिज अपने सारे फार्म कंट्रोल करती हैं। ये मियाँ बीवी मिलकर काम कर सकते हैं, अपनी ज़मीन पर जाना ना, इसको तो कोई इशू नहीं है।
जब आपने बेचे हैं अभी आपको 4-5-6 हज़ार जो आपने दिहाड़ी दी है बंदों को किराया दिया मंडी से, देखें ये घर से सामान गया मंडी तक, बंदे ने पैसे देने, बंदे का मंडी में बैठना, बंदे ने खज्जर होना, बिक गया ठीक है वरना जरिए होकर वापस। पाकिस्तान पूरे में जो ट्रेनिंग हेडक्वार्टर बनाया है उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है, हर फार्म से 3% जाता है। पूरे पाकिस्तान में मंडी से चीज़ हमारे पास आती है, हमारे पास वहाँ जाती है, तो यहाँ से जाने वाली चीज़ का आधा किराया भी हम देते हैं। पाकिस्तान में 350 गाड़ियों से एग्रीमेंट किए हैं, अकाड़ा से इस्लामाबाद इतनी सी चीज़ जाए तो 1500 लेते हैं, हमारा इतना बड़ा तोड़ा जाए तो 600 लेते हैं। हमने मेहनत की है, साथियों ने हमारे साथ तावन किया है, लोगों को अवेयरनेस दी। आप किसी बंदे को समझाते हैं डॉक्टर साहब ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, पैसे भी तुम्हारे, ये साथ ये भी कॉपरेट करे, डॉक्टर करेगा क्यों नहीं करेगा, समझ आ गई मेरी बात की। तो हमने पूरे पाकिस्तान में ऐलान है, जो भी बंदा आप एक मिनट के लिए खड़े हो सर, अपना नाम बताइएगा, आपके वालिद साहब का नाम, दादाजी का नाम, टूने खान, पुराने नाम ऐसे होते थे जैसे, अब टूने खान और आपके वालिद साहब दोनों याद है कि सरची खान वो सच खान साहब जो है और आपके जो वालिद साहब दोनों हयात हैं या चले गए, आप उनके नाम के 1 मरला 2 मरला जगह बनाए, सब्जियां आपको बताएं कैसे लगानी, खादे हम फ्री देते हैं, ये पाकिस्तान में हजारों लोगों को दे रहे हैं, पहले ड्रग्स देते थे अब फार्मर के जरिए से देते हैं, हर फार्मर को 10 सीटें हमने दी हैं। ये बंदा अगर अपने दादे के नाम के 100 एकड़ है, 50 एकड़ है, 10 एकड़ है, तो 2 मरले दादे के नाम पर लगा के खानदान को इस तरह को सब्जियाँ दे फ्री, तो बुरी बात अच्छी बात है। इस पे हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें आपका काम चाहिए, हमारा तो नाम ही नाम है, सारा काम भाई जहाज ही करते हैं, लगवाना करना सारा आइडिया सब कुछ सुनी गई होता है, टोटल कंट्रोल वही करते हैं, कैसे आपने खाली बनानी है, कैसे बेड बनाना 6-6 फुट का साइडों पे, अंदर आपने 2 खालियां बनानी ऊपर जाने वाली चीजें, दरमियान में बेड जिसपे कद्दू शद्दू लगे बड़ा बेड, बीज वो लगा दे 1000 रुपए का बीज लगना है, खाद सारी जिंदगी फ्री, वो नीतों गरीब होता नीयत से, आप दिहाड़ी देके देखे मिस्त्री को चार देखे, आधे लोग इस वजह से नाकाम होते हैं कि अंदर से डरे ओ मैं कर गया, ओ मैं मछली, ओ मैं जुआ, ओ मैं लुट गया, ओ मैं मर गया, हाथ आपका 1 अरब में भी नहीं लगेगा ऐसा, 10 अरब में भी नहीं लगेगा, टांग नहीं लगेगी, आँख नहीं लगेगी, अल्लाह ताला ने हर चीज़ खुली बांटी है दुनिया में। ये मैं हमारे सबके मरहूमिन के लिए फिक्रा बोलने वाला हूँ, ये वाला उनके साले साहब के लिए, आपने अपने बच्चों को सिखाना है, अपनी ख़ासतौर पर बीवी को सिखाना है, बेटी को सिखाना है, वो कल माँ बननी है, बोले अल्लाह ताला ने हर चीज़ खुली बांटी है, यकीन कम बांटा है, यकीन के लिए शर्त रख दी है कि सब्र करना पड़ेगा, ठुड्डे खाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, मुस्तकल मजाजी से काम को बार बार करेंगे तो यकीन आता है, ये अल्लाह ने रखा है, मैंने नहीं रखा। अब देखें अगर यकीन ना आए, क्योंकि अगर यकीन पूरा है तो ब्रेन से एक वेव निकलती है, आपका हर काम उल्टा सीधा होगा। बिलीव इज अ बिग पावर, बोले बिलीव सबसे बड़ी ताकत है, बोले अगर 6 बिलीव आपको चाहिए, पहला बिलीव अल्लाह पर, वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो गफूर गफार तवाब है, इससे बिलीव होना चाहिए, और खुला शरीक का बिलीव होना चाहिए ना, तो ही पे तो बिलीव सबसे बड़ी पावर है। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कि मेरा आई कॉन्टैक्ट ख़राब होता है पुलिस वालों से, सर मैं आपसे मुखातब हूँ, आपकी आई कॉन्टैक्ट मेरे साथ रहना चाहिए। एल मछली, मैं सिडनी में गया हूँ, मैंने वो बंदरगाह देखी, शंघाई की देखी, कोलंबो की देखी, कराची की देखी, और भी बहुत सारी बंदरगाह, हर बंदरगाह में जहाँ जहाँ एल मछली है वो मूव करती, अंडे जाके देती बरमूदा में, वहाँ चीज़ तबाह हो जाती है, वो बरमूदा में जब अंडे देती है एल मछली का बच्चा, माँ तो वापस चली जाती है, बच्चा अपनी माँ के पास पहली खुराक लेता है, वो तंग पानी में अंधेरे पानी में माँ के पास पहुँच जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो कोई तो ज़ात है जो उस कीड़े को रास्ता दे रही, क्या तुम्हें रास्ता नहीं देगी, बोलो आप बोले बिलीव इन माय अल्लाह, मुझे अल्लाह पर यकीन होगा हमेशा, मुझे मुक्का निकाल के कहें जो मुक्का है पावर है, मुझे अल्लाह पर यकीन है। दूसरा बिलीव खुद पर, डॉक्टर साहब क्यों, डॉक्टर साहब तुम थोड़े अभी की कर रहे थी आपकी कौन खोखर है, साढ़े इलाके जी खोखर, कहे मैं खोखर है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो काम है शहर से मम्मी डैडी बच्चों का, सब डॉक्टर बन गए, खुद पर बिलीव नहीं लोगों को, बोले या सीने पे हाथ मरे, बिलीव ऑन माई सेल्फ, बिलीव ऑन माई सेल्फ, हाँ उर्दू में बोल दें, मुझे खुद पर यकीन होना चाहिए, लेकिन जब ये कहना है तो सिर दर्द झुका लेना कि अकड़ ना आ जाए, रहना आज ही में, अंडरस्टैंड, देखे बिलीव ऑन माई सेल्फ पे मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, देखें
आग, बोलो बोलो जल्दी, उंगल खोलो उंगल, आग। ये मैं आपको ट्रेनर बना रहा हूँ, मेरा काम था मैसेज दे जाना, अगला काम आपका है कन्वर्ट करना। आग, हवा, पानी, मट्टी, ये चारों चीजें कभी इकट्ठी हुई है? आगे से पानी घटाया कभी? अल्लाह ताला हमें गधा बना सकता, खोता बना सकता, सारा कीड़ा बना सकता था, इतना बेहतरीन इंसान बनाया। बताओ आप, बोलो मेरी तकलीफ अफजल है, तो बोलो मैं निकम्मा हूँ या बेस्ट हूँ? बबूका निकाल के बोले आई एम द बेस्ट। बच्चे को बताएं, जब उसकी क्लास अच्छी ना चल रही हो, पढ़ाई अच्छी ना हो रही हो, कामयाबी ना हो रही, उसे कहो यू आर द बेस्ट, उसे थपकी दो, उसे कहो यू आर द बेस्ट, उसे कहो वी आर द बेस्ट, हम अच्छे हैं, उसके दिमाग में डालो बचपन में, अंडरस्टैंड। फिर एक और बात, ब्रिंग ऑन माय सेल्फ पे, देखिए मैंने पहले ही बोला था, जब चीन प्रिंट जमीन और आसमान कुछ ना था, कू न थी, आलम न था, ये तारा जोरा जमीन का फासला, ये क्लस्टर एक कक्षा है, लाखों कक्षा तो क्लस्टर बनता है, ब्लस्टर, फिर सिद्धतुल मुंतहा, फिर ऊपर तो कोई भी नहीं जा सका, ऊपर एक अल्लाह, अल्लाह का नबी, ये अजलों से नबी थे, उस अजीम उम्मत में हमें डाला, हमें हिंदू भी बना सकता था, बुद्ध मत भी पूजा चून चून करके कर रहे थे, हमारा कोई दीन भी ना होता, इतनी बड़ी उम्मत में डाला हमें, बताओ हम से कम है या बेस्ट है? बोलो वी आर द बेस्ट, बेहतरीन तकलीक, बेहतरीन उम्मत, तो हमें दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती, ताकत बनने से, अच्छा लीडर बनने से। मेरे पास अभी आपके एक एग्जाम्पल और दूंगा। तीसरी चीज जो आपको हमेशा कामयाब करेगी, मेरे साथ बोले, पाकिस्तान में रेगिस्तान है, पहाड़ है, मैदान है और बंदरगाह है, जिसके पास ये चार, बारह मौसम है, चार नहीं बारह है, ऐसे बारिश हो रही होता जो मर्जी लाई, जो लिखी जा रहा है, सप्लाई रुकती नहीं है। बोलो जिसको इतना बड़ा अच्छा मुल्क मिल जाए, वो निकम्मा या बेहतरीन है? अब बोलो बेहतरीन है। ये तो हमारे लोगों ने खा लिया, 1947 में ये दुनिया के अमीर तीन मुल्कों में था, पावर पर अमीर तीन लोग, 1980 तक डॉलर चार रुपए का था, चोर के डफर खा गए हमें सारे, फिर ये होगा, यहाँ बहुत कुछ है। अफगानिस्तान को दोबारा 3 साल मौका मिला, उनका डॉलर रेट नीचे आ गया, खुद ऊपर चले गए, गए नहीं, हम भी जाएंगे, अंडरस्टैंड। बोलो तकलीक अच्छी, मुल्क अच्छा, उम्मत अच्छी, हम निकम्मे हैं या बेस्ट है? आखिरी बात, अल्लाह पे यकीन हो गया, खुद पे यकीन की बात हो गई, जो कारोबार करो, कभी अपना वापडा का काम शुरू कर लेने, कभी लोहे का काम शुरू कर लेने, कभी लकड़ी का शुरू कर लेने, कभी कभी रेडियां लगा दिए, कभी कोई काम, कभी कोई काम, जो काम करो उस पर फोकस करो, उसी काम पर फोकस रखो। अपन की करते हैं, बच्चे को पहले मैट्रिक साइंस ना करवाती, फिर उन्हें एफ ए कराता, बाद उन्होंने बी का मन ले गए, फिर उन्हें जाके आड़ दुकान बनाती। बोलो जो काम करेंगे उस पर यकीन से, अपने शोबे पर यकीन। अगला काम, आप एक मिनट, ये मोबाइल, मैं और डॉक्टर साहब मोबाइल की सिमें बेचने वाले, हम पुलिस वाले भाई के पास गए, इनके पास गए, इनको यूफोन की सिमें बेची, इन्होंने हमारा मोबाइल देखा तो उसमें जहेज़ की सिम थी, वो कहेंगे बड़े से चोर आदमी जे, आप जहेज़ दी भाई, फिर सू यूफोन। बोलो हाथ उठा के, अपनी प्रोडक्ट पर यकीन, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, चीज़ें चुन रहे हो, ग्रेडिंग कर रहे हो, पाकिस्तान के ऑर्डर कैंसिल हुए, चावल के कैंसिल हुए। साथ साथ डॉक्टर निमरा साहब हैं, डॉक्टर निमरा से रब्ता होता रहता था, डॉक्टर निमरा हमें बताती थी कि अब आप ये करें, खाद दें, पानी लगाएं, ये करें, हमने किया। जब बेबी प्लांट हुए हमने उखाड़े, हमने उनको बताया, भेजे, इन्होंने हमें सेंटर बताया, हमने वहाँ पे गाड़ी का रिसर्फ हमने अरेंज किया, चले गए, पेमेंट हमारे अकाउंट में। इसके अलावा हमें खाद चाहिए थी, हमने इन्हें कॉल की, इन्होंने हमें खाद में, मैं क्योंकि शेखुपुरा जॉब करता हूँ, शेखुपुरा मुझे खाद आई, मैंने तजर्बाती तौर पर ली थी, तो वो सारी आ गई। इसी तरह यह है कि आप जब भी इनको कॉल करेंगे, उसी तरह आपको पेमेंट जमा करवाएंगे, उसी तरह आपको डेरे के ऊपर ही आपको हर चीज़ मिलेगी, इसमें कोई किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई सेंटर की जरूरत ही नहीं है। हमारी 100 ब्रांचें थी, ब्रांचों वाले पैसे खाते थे, कोरोना के बाद सेंट्रल सिस्टम है।